लेकिन मेरे बास किया है ऐसा भगवान का शुक्रिया है सर, मेरा बगुल का आदमी सब मर गया। हाँ सर, जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या सिचुएशन था उस समय? सिचुएशन बहुत खराब था, वो सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति, पूरा जिधर भी नजर डालता आदमी कटा हुआ आदमी दिख रहा है। और सिचुएशन जो था इंजन में जो था लोको पायलट, वो दोनों को हमारा छोटा भाई जाके चढ़ के पूरा उतरा सीढ़ी लेके, फिर उसका दो दोस्त लेके आया उसको उतरा, पूरा सीरियस था, असिस्टेंट ड्राइवर पूरा सीरियस था, और ड्राइवर उसका पाँव तोड़ गया तो हाथ तोड़ गया, उसको निकले के आगे पहले भेजा थोड़ा। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद अब स्थिति आहिस्ता आहिस्ता सामान्य हो रही है। हादसे वाली जगह को अब यातायात के लिए साफ कर दिया गया है। पलभर में दुनिया को छोड़कर चले जाने वालों का सामान भी हटा दिया गया है। लेकिन शुक्रवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कुछ लोग अपने घर से तो कुछ अपने घरों के लिए निकले थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। मैं बास गया है ऐसा भगवान का शुक्रिया है सर, मेरा बगुल का आदमी सब मर गया। हाँ सर, कौन सोच सकता था कि बालासोर में ये ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी। हम लोग ट्रेन में थे, पहले धक्का लगा तो ट्रेन का पब्लिक उसके अंदर में फुटबॉल की तरह उछल रहे थे, पता नहीं। और जिस समय घटना के उपरांत बाहर निकले, हम 24 घंटा तक खाली आदमी निकालने के चक्कर में, कुछ लोग हैं हमारे साथ में जैसे ये भाई, ये भी आदमी को पकड़ के घींच कर निकाल रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए, जो हॉस्पिटल के लायक था जिसका खून खराबा ज़्यादा चल रहा था उठा करके उनको बेड पर छोड़ रहे थे, हम लोग सिर्फ आदमी डब्बे से निकाल रहे थे। रेलवे ट्रैक पर जब चलती ट्रेनें हादसे का शिकार हुई तो सांसों की चलती डोर भी कट गई। कैसे गाड़ी चल रहे हो मालूम नहीं, क्यों गाड़ी का ऐसा भीड़ है, जनरल का ऐसा भीड़ है, वो मैं थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुनने का मत गाड़ी पलटी हुआ, वो आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, बाद में 10 मिनट अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है, वो मेरा बीबी भी हाथ टूट गया, मेरा पेट भी टूट गया, वो कैसे ट्रेन के निकल गया वो भगवान साढ़ा कोई मालूम नहीं होता। आंखों में भविष्य के सपने किरची किरची कांच के साथ बिखर गए। ट्रेनों की टक्कर ने जिंदगी की मुस्कुराहट ऐसे छीनी कि पहचान के नाम पर खामोश तस्वीरें और सिर्फ यादें ही रह गई। पूरा मिनट के लिए कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ, हम लोग का बोगी सिर्फ पलट गया, उल्टा हो गया, सारे आदमी के ऊपर आदमी, हम लोग खिड़की तोड़ के खिड़की से निकले, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का कोई कपार फूटा हुआ है, बहुत मतलब 100-200 आदमी घवाहिल था। ट्रेन यहाँ आदमी उधर पड़ा हुआ है, कोई जंगल में पड़ा हुआ है। बैन करती एम्बुलेंसों का शोर सारे इलाके को शोक में ले डूबा। पहले आया हमारा नेशनल जो रोड में एम्बुलेंस रहता है, वो पहले आया, आके वो लेके गया उधर से, बाइक से भी लेके गया, ऑटो में भी भेजा, ऑटो में भी भेजा, बाइक में भी लेके गया। इस वाकये ने सिर्फ जिंदगियां ही खाक नहीं की, कई घरानों को राख में बदल डाला। उन घरानों को जिन्होंने अपनी गरीबी और तंगहाली को दूर करने के लिए अपने घर वालों को शहर की जानिब भेजा था कि वहां से आने वाली आमदनी से उनकी तंगहाली दूर होगी, लेकिन इस हादसे ने उनकी उम्मीदों का जनाजा उठा दिया। तो बहुत जोर आवाज हुआ,
इतना जोर आवाज हुआ जो बम जैसे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद हम दौड़ के चला गया, बहुत एक गया तो एक आदमी रोड में मार के पड़ा गया फ्लैट, वो डेढ़ बढ़ के डेंग के भाग जाके निकल, डेढ़ बढ़ निकला कुछ ये जो इंजर्ड हुआ घायल हुआ उसको निकला। निकला के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस 15-20 मिनट का फ़ोन करने के बाद आधा घंटा के बाद एम्बुलेंस आया। आने के बाद जो घायल हुआ था दो चार आदमी को भेजा, उसके बाद आके फिर गाड़ी साइड करना पड़ा, गाड़ी इतना जाम हो गया जो बाइक वाला सब आ रहा है देखने कि हेल्प करने आया, वो गाड़ी पूरा जाम हो गया, गाड़ी सब हटा के पानी पानी भी लेके दिया, बिस्किट पानी पानी सब लेके दिया। लास्ट में फिर एक साउंड लेके आया, उसको आप ये दिया जे गाड़ी साइड करो कि हेल्प करो पानी दो ये दो, इतना आदमी आ गया जो पूरा भीड़ हो गया। ट्रेन की पटरी के आसपास बिखरी लाशें, उनके बीच ही अस्त व्यस्त पड़ा लावारिस सामान, हादसे में वो जो खिलौने टूट गए हैं, बड़े अरमान के साथ अपने बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए किसी गरीब पिता ने खरीदे होंगे। वो जो चूड़ियां टूट गई हैं, उसे किसी की पत्नी ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कलाई में सजाया होगा। फटी हुई डायरी के बिखरे पन्ने जिसमें किसी प्रेमी ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत का जिक्र किया होगा। हादसे के बाद पटरी पर बिखरे पड़े जिंदगी के निशान एक दुख भरी कहानी संग्रह बनकर रह गई हैं, जिनके भीतर समाये मातम का अंदाजा लगाने मात्र से दिल का चोट उठता है।